Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश कुमार, आप देख रहे हैं एमबीफ्रीडिश यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो है चाइनासैट 1198 डिग्री पर भी ए वाली डिश सेट है, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ आपको न्यू चैनल आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी दोस्तों बिल्कुल फिट। लेकिन दोस्तों ए वाली डिश है, आप देख सकते हो ये वीडियो को 88 डिग्री पर अभी डिश सेट है, और ए वाली है चाइनासैट 98 डिग्री पर अभी डिश सेट है। क्योंकि दोस्तों पिछली वीडियो भी मैंने दिखाया था, ये सामने आप देख रहे हो दो फीड एंटेना पर। लेकिन दोस्तों तीन चटर दोस्तों मैंने एक ही लेम्बी और एक ही डिश में मैंने रिसीव करके दिखाया था, इसी जगह पे आप देख सकते हो सामने जगह है। क्योंकि दोस्तों इस डिश में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि दोस्तों यहाँ सिग्नल इसका रिसीव होता है, क्योंकि दोस्तों मैं इसका जगह चेंज कर देता हूँ इस जगह पर, क्योंकि दोस्तों वहाँ इसका सिग्नल रिसीव नहीं होता तीन चटेलाइट का। और अभी डिश सेट है, वहाँ इसका सिग्नल रिसीव हो रहा है, आप देख सकते हो। क्योंकि दोस्तों आपको एक बार जगह चेंज करके भी देखना है कि तीन सेटेलाइट आपको एक ही एलएमबी में और एक ही डिश में सेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मेरी इस जगह पे भी डिश है, वहाँ इसका तीन सेटेलाइट का सिग्नल रिसीव हो रहा है, और मैंने एक बार जगह भी चेंज करके देखा तो वहाँ इसका तीन सेटेलाइट का सिग्नल रिसीव नहीं होता है, सिर्फ एक ही सेटेलाइट का सिग्नल रिसीव होता है। और एलएमबी पोजिशन की बात करते हैं, एलएमबी पोजिशन सेम रहेगी जैसे डीडीफ्रीडिश में रहते, इस तरह से आपको इसकी एलएमबी पोजीशन रखना है, आपको ऊपर नीचे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सेम रहेगी जैसे डीडीफ्रीडिश में रहती, इस तरह से आपको इसकी एलएमबी पोजीशन रखना है। मैं आपको डिश के सामने से दिखा रहा हूँ इसकी एलएमबी पोजीशन, क्योंकि दोस्तों आपके पास पहले से दोस्तों स्कैन है वतन टू, तो दोस्तों आपको पुराने वाले टीपी सारे के सारे दोस्तों डिलीट कर देना है, और दोस्तों आपको न्यू स्कैन करके आपको सारे चैनल आपको देख सकते हो, वो भी दोस्तों बिल्कुल फिट। क्योंकि दोस्तों इस जगह पे दोस्तों ए वाली डिश अभी सेट करता हूँ, क्योंकि दोस्तों वहाँ इसका सिग्नल रिसीव नहीं होता है तीन सेटेलाइट का। और पिछला वीडियो भी मेरा देख सकते हो, ऑलरेडी मेरे चैनल पर इसका वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। क्योंकि दोस्तों तीन सेटेलाइट मैंने एक ही एलएमबी में मैंने रिसीव करके दिखाया था, 93 और 95 और 98 डिग्री, तीन सेटेलाइट और एक ही एलएमबी में मैंने रिसीव करके दिखाया था। और ये इसकी टोंग टीपी, आप टीपी भी नोट कर सकते हो, और इसको कर देते हैं स्कैन, और मैं आपको लेटेस्ट चैनल में आपको दिखाता हूँ कि आज की डेट में कितने चैनल दोस्तों इस सेटेलाइट पर रिसीव होती है। ये आप देख सकते हो 13 चैनल आपको देखने को मिल जाएगा इस सेटेलाइट पे, क्योंकि दोस्तों पहले से दो चैनल दोस्तों इसमें रिम्यू कर दिए, इसलिए दोस्तों आपको 13 चैनल आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों सेटेलाइट सेलेक्ट कर लेते, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कुछ न्यू चैनल इसमें एड हुई, वो भी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। और वतन एचडी, वो भी दोस्तों आपको बिल्कुल फिट और आपको देखने को मिल जाएगा। 20 वर्ल्ड कप इस सेटेलाइट पे आपको देख सकते हो, वो भी दोस्तों बिल्कुल फिट। और ऐसे ना दोस्तों न्यू चैनल एड हुई, बांग्ला के चैनल दोस्तों इसमें चल रही, ये आप देख सकते हो, म्यूजिक के चैनल है, ये आपको बिल्कुल फिट और आपको देखने को मिल जाएगा। एक और चैनल है, ये भी दोस्तों बिल्कुल फिट और चल रहा है, और ये म्यूजिक के चैनल, ये भी दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। ये चैनल दोस्तों रिम्यू कर दिए, ये आप देख सकते हो, इस तरह से आपको टीवी में आपको देखने को मिलेगी। और एक और चैनल है, ये भी दोस्तों बिल्कुल फिट चल रहा है, और वतन एचडी, ये आपको बिल्कुल फिट आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपके पास पहले से स्कैन है, तो आपको सारे चैनल और पुराने वाले टीवी आपको डिलीट कर देना है, और आपको न्यू स्कैन करके तो आपको ये चैनल आपको देखने को मिल जाएगा वतन एचडी। ये पहले से दोस्तों चैनल एड है, ये भी दोस्तों बिल्कुल फिट और चल रहा है। और यही थी आज की डिश सेटिंग, और यही थी इसकी आज की अपडेट। अपडेट आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को कर दिया सब्सक्राइब। मिलते दोस्तों नई वीडियो के साथ।